हाय फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हमने जो छोटा मतलब पोर्शन था उसमें हमने बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। बॉयलर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा उसके मेन कंपोनेंट था बॉयलर के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने बॉयलर सेल, फर्नेस तथा ग्रेट या ग्रेट सरफेस के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि बॉयलर सेल क्या होता है, फर्नेस क्या होता है, ग्रेट या ग्रेट सरफेस क्या होता है। इस तरह से हमने उसके बारे में डिस्कस किया एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा कि बॉयलर क्या होता है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है, देखिए वो है आपका पंप या फीड पंप, ठीक है। देखिए क्या है पंप या फीड पंप से आप क्या समझते हैं। तो बॉयलर में पानी सप्लाई के लिए पंप या फीड पंप का यूज करते हैं। जैसे मान लिया बॉयलर सेल है, बॉयलर सेल में अगर पानी को भरना है तो हम पंप या फीड पंप की सहायता से बॉयलर सेल में पानी को भरने का कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं, मान लिया कूलिंग की चीज़ें हैं तो कूलिंग में भी हम बॉयलर अगर पानी का सप्लाई हम क्या करते हैं पंप के द्वारा की जाती है। पंप या फीड पंप के द्वारा हम पानी की सप्लाई हम बॉयलर में करते हैं, ठीक है। ये रहा पंप या फीड पंप। इसके बाद आपका है वो है ट्यूब तथा हेडर। तो ये देखते हैं कि ट्यूब तथा हेडर क्या है। देखिए ट्यूब स्टीम और वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ट्यूब तथा हेडर का प्रयोग किया जाता है। जिसे क्या है कि बॉयलर जो आपका बॉयलर सेल है तो उसमें से स्टीम हो चाहे वाटर हो, ठीक है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं ट्यूब तथा हेडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार। इसके अलावा आपकी माउंटिंग तथा एसेसरीज है। माउंटिंग तथा एसेसरीज को आपको इम्पोर्टेंट इस पर नोट करा रहा हूँ, आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये माउंटिंग तथा एसेसरीज क्या हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माउंटिंग क्या है, देखिए माउंटिंग वह उपकरण है जिनका प्रयोग हम बॉयलर के सेफ्टी रन के लिए करते हैं। अब सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कोई भी अगर बॉयलर में कोई कमी है, कभी उसमें ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो वो क्या करता है कि जो बॉयलर माउंटिंग होती है उसके द्वारा सूचित करने का कार्य करता है, तो ठीक है। तो वही लिखा है बॉयलर माउंटिंग के इक्विपमेंट हैं, बॉयलर माउंटिंग के वे उपकरण हैं जिनका प्रयोग बॉयलर को सेफ्टी रन कराना होता है। इसके अंतर्गत इसके उदाहरण है आपके प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व इत्यादि। तो इसके बाद जब भी हम आपके बॉयलर के कभी भी जब आगे डिस्कस करेंगे कल आपके कि बॉयलर सेल कई प्रकार के मतलब के बॉयलर सेल होते हैं या बॉयलर होते हैं तो उसमें हम इसमें फिगर में आपको सारी चीज़ें मतलब उसमें दिखाया रहेगा तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बता दूँ प्रेशर गेज क्या है। तो प्रेशर गेज वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम बॉयलर सेल के अंदर उपस्थित उसके प्रेशर या दाब को मापा जाता है, ठीक है। तो वो प्रेशर गेज ऐसा उपकरण है जो बॉयलर सेल के अंदर दाब को मापता है, ठीक है, वो उसको बताता है। इसके अलावा वाटर लेवल इंडिकेटर देखिए क्या है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने बॉयलर सेल के बारे में पढ़ाया बॉयलर सेल, तो देखिए इसमें क्या है कि बॉयलर यहीं पे आपका लेवल वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रहता है जिसका काम ये है कि वो बताता रहता है कि जो बॉयलर सेल में आपका कितनी पानी की मात्रा है। बॉयलर लेवल इंडिकेटर का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि पानी का बहुत बड़ा इसमें बॉयलर में रोल होता है, ठीक है, वही वो हमेशा इंडिकेटर आता है, वो सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, जो उसे बॉयलर को सेफ्टी रखने कार्य करते हैं। इसके अलावा सेफ्टी वाल्व होता है। तो सेफ्टी वाल्व वो है कि अगर माना कि बॉयलर सेल में अगर प्रेशर की मात्रा बढ़ गई,
प्रेशर की मात्रा थी मात्रा में बढ़ गई, तो हम सेफ्टी वाल्व को खोलकर उसमें उपस्थित दाब की मात्रा को हम कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसके बाद इसी में होता है स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व क्या है? स्टॉप वाल्व की सहायता से हम स्टॉप वाल्व की सहायता से हम स्टीम की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है आपकी बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर एसेसरीज वे डिवाइस हैं जिनका कार्य बॉयलर की इफिशेंसी को बढ़ाना है। तो क्या है? बॉयलर एसेसरीज वे डिवाइस हैं जिनका कार्य बॉयलर की इफिशेंसी को बढ़ाना है इसके अंतर्गत आपके उदाहरण के रूप में सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर है। चलिए इसके बारे में जब हम आगे डिस्कस करेंगे, सुपर हीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, उसके बारे में आपको बहुत सारे डिस्कस करना है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य इंपॉर्टेंट है, इसके करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बाद में है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें, सुपर हीटर देखिए क्या है कि सुपर हीटर एक ऐसा डिवाइस है जो गीली वाष्प को या गीली स्टीम को, ठीक है, वो आपका सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा इकोनोमाइजर क्या है? इकोनोमाइजर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो ठंडे पानी को गर्म, मतलब हॉट वाटर में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा एयर प्री हीटर क्या है? देखिए, एयर प्री हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसकी सहायता से हम ठंडी हवा को गर्म हॉट, मतलब कोल्ड एयर को हम हॉट एयर में कन्वर्ट करते हैं। किसकी सहायता से? एयर प्री हीटर से। इकोनोमाइजर से हम आपके कूल वाटर को या कोल्ड वाटर को हम हॉट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सुपर हीटर की सहायता से हम आपकी गीली वाष्प को हम त्वरित वाष्प में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये रहा बॉयलर एसेसरीज। आपके आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ रहता है कि माउंटिंग तथा एसेसरीज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, माउंटिंग तथा एसेसरीज में यही अंतर है कि हम माउंटिंग का प्रयोग, ठीक है, माउंटिंग का प्रयोग हम आपके बॉयलर के सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं, जबकि बॉयलर के एसेसरीज का कार्य आपके बॉयलर की इफिशेंसी को बढ़ाना है। ये दोनों इसमें बेसिक आपके अंतर हैं। ठीक है, ये रहा आपका माउंटिंग तथा एसेसरीज क्या है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका चिमनी। चिमनी क्या होता है? देखिए, तो चिमनी का कार्य फर्नेस से जले हुए धुएं को बाहर निकालने हेतु किया जाता है। ठीक है, चिमनी का कार्य फर्नेस से जले हुए धुएं को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से आपके फर्नेस के दाब को कम किया जाता है। ठीक है, चिमनी की सहायता से। इस प्रकार से ये आपके बॉयलर की मेन कंपोनेंट थे एक एक करके, जिसके अंतर्गत हमने आपके बॉयलर सेल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया, बॉयलर सेल क्या होता है, इसके अलावा फर्नेस क्या होता है, ग्रेट क्या होता है, पंप क्या होता है, ट्यूब एंड हेडर क्या होती हैं, माउंटिंग एंड एसेसरीज क्या होती हैं, चिमनी क्या होती हैं, इसके बारे में हम एक एक करके अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपका रहा मेन कंपोनेंट ऑफ बॉयलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का वर्गीकरण। तो बॉयलर के वर्गीकरण को हम कई आधार पे किया गया है। ठीक है, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ बॉयलर सेल पोजीशन। बॉयलर सेल के पोजीशन के आधार पर, मतलब आधार पर बॉयलर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर,
दूसरा आपका वर्टिकल बॉयलर होता है, तीसरा आपका इंक्लाइंड बॉयलर होता है। ठीक है, एक एक करके है आपका। तो पहला क्या था कि मतलब बॉयलर सेल के पोजीशन के आधार पर बॉयलर को तीन भाग में बांटा गया। पहला था आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर, दूसरा आपको वर्टिकलर बॉयलर, तीसरा आपका इंक्लाइंड बॉयलर है। इसके बाद जो दूसरा आपका आधार है, ठीक है, जो दूसरा आधार है आपका, दूसरा देखिए वह है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू, देखिए फ्यूल के आधार पर हम बॉयलर को इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सॉलिड फ्यूल बॉयलर, ठीक है, सॉलिड फ्यूल बॉयलर। दूसरा है आपका बी है, वो है आपका लिक्विड फ्यूल बॉयलर। सी है आपका गैसियस फ्यूल बॉयलर। ठीक है, तो ये रहा आपका कि आपके ईंधन के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है बॉयलर को। पहला सॉलिड फ्यूल बॉयलर, दूसरा आपका लिक्विड फ्यूल बॉयलर, तीसरा आपका गैसियस फ्यूल बॉयलर है। ये तो सिंपल है, अगर मान लिया ग्रेट पे हम जिस प्रकार की ईंधन को रखकर हम जलाएंगे, मतलब बर्न करेंगे, हीट एनर्जी जनरेट करेंगे, उसके आधार पर वो आपका बॉयलर का नाम होगा। अगर मान लिया ठोस के तौर पे आपका क्या है, कोयले को हम बर्न करेंगे तो आपका कहलाएगा आपका सॉलिड फ्यूल बॉयलर कहलाएगा। लिक्विड है तो मान लिया कोई तरल पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसका प्रयोग करके हम क्या करके जलाएंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा गैसियस है तो किसी गैस का मान लिया यूज़ किया, जैसे रिएक्टर है कोई, आपका न्यूक्लियर फ्यूल है, उसके आधार पे आपका गैसियस फ्यूल बॉयलर के अंतर्गत आएंगे। ये तो विभिन्न चीज़ें थी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो आपका है, जो तीसरा है चलिए बताते हैं आपका, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ईंधन की दहन के आधार पर, ईंधन के दहन के आधार पर बॉयलर को पुनः आपके दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंटरनल फायर्ड बॉयलर, दूसरा आपका है वो है एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर। ठीक है, पहला है आपका इंटरनल फायर बॉयलर, दूसरा है आपका एक्सटर्नल फायर बॉयलर। इसके देखिए पहले हम इसमें कुछ और चीज़ें बता देते हैं। इसे इंटरनल फायर्ड बॉयलर से आप क्या समझते हैं, एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर से आप क्या समझते हैं। इंटरनल फायर्ड बॉयलर का मीनिंग है कि जो भी दहन होगा, ठीक है, वो बॉयलर सेल के अंदर ही होगा, मतलब जो भी बॉयलर सेल होगा उसके अंदर ही होगा, उसका दहन बाहर नहीं होगा, ठीक है, अंदर होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल फायर्ड बॉयलर का मतलब मीनिंग है कि जो भी कंबस्शन जो क्रिया है, जो दहन क्रिया है, वो आपका बाहर की मतलब सेल से बाहर होगा, बॉयलर सेल से बाहर होगा। ठीक है, तो आपका एक वो एक्सटर्नल फायर बॉयलर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो चौथा बेसिस है वो है आपका, चौथा वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट इन ट्यूब। ठीक है, कंटेंट इन ट्यूब, तो ट्यूब के आधार पर भी हम बॉयलर को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा है आपका बी है, वो है आपका
फायर ट्यूब बॉयलर। इसको ध्यान से सुनिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर का क्या मीनिंग है? जो वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर जल जल को प्रवाह मतलब वाटर को प्रवाह करते हैं तथा बाहर मतलब ट्यूब के बाहर फायर मतलब आग होती है, ठीक है, या कह सकते हैं स्टीम। वाटर ट्यूब में वाटर प्रवाहित होती है, वाटर का प्रवाह होता है तथा सराउंडिंग में आपका फायर प्रवाहित होता है, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, ट्यूब में वाटर प्रवाहित होगा तथा सराउंडिंग में आपका फायर जो आदहन आग होगी वो प्रवाहित होगी। इसके अलावा जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर है, तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, ट्यूब के अंदर फायर प्रवाहित होगी, ठीक है, या गर्म गैसें प्रवाहित होंगी। और उसके बाद सराउंडिंग में वाटर प्रवाहित होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या है, ऑन द बेसिस कंटेंट इन ट्यूब, ट्यूब के आधार पे बॉयलर को दो भागों में बांटा गया है, वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसके अंतर्गत ट्यूब में वाटर को प्रवाहित किया जाता है, सराउंडिंग में फायर होती है। फायर ट्यूब बॉयलर में जो ट्यूब में फायर प्रवाहित होती है तथा सराउंडिंग में वाटर प्रवाहित होता है। इसके अलावा जो इसमें जो फिफ्थ जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो के आधार पर हम ये बॉयलर को दो भागों में बांटे हैं। पहला बांटा गया है वो है नेचुरल फ्लो, ठीक है, बी है आपका फोर्स फ्लो, ठीक है। तो नेचुरल फ्लो का मीनिंग क्या है, देखिए नेचुरल फ्लो बॉयलर का अंतर्गत इसमें फ्लो बनाए रखने के लिए हम किसी बाह बल मतलब क्या है, किसी बाह बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर से कोई मतलब आपका फोर्स लगाने की एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि फोर्स फ्लो बॉयलर में बाहर से आपका आपका आउटर फोर्स की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो इस प्रकार से रहा ये आपका बॉयलर सेल के बारे में। इसके अलावा आपका एक और है, वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ऑफ स्टीम। तो स्टीम के दाब के आधार पर हम बॉयलर को दो भागों में बांटे हैं, तीन भागों में। पहला आपका लो प्रेशर बॉयलर, ठीक है, दूसरा मीडियम प्रेशर बॉयलर, तीसरा आपका हाई प्रेशर बॉयलर, एक चौथा भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ठीक है। इसके अलावा बॉयलर की कैपेसिटी के मतलब आधार पे मतलब स्टीम जनरेशन के आधार पे आपको दो भागों में बांटा गया है, पहला आपका लो कैपेसिटी बॉयलर, दूसरा आपका हाई कैपेसिटी बॉयलर, ठीक है। तो ये रहा आपके बॉयलर के बारे में, हमने देखा कि बॉयलर क्या होता है, इसके अलावा मेन कंपोनेंट के आप बॉयलर के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा क्लासिफिकेशन आप बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, आपको एक बात और बताना था, ये तो रहा आज की टॉपिक, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वह प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपके कमेंट बॉक्स में जाके अपना अटेंडेंस ज़रूर आप लगाया करें। इसके अलावा दूसरी बात ये बतानी थी कि जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने पंप के बारे में डिस्कस किया था जो क्लास में, तो उसमें आपका जो कुछ टॉपिक हमने इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में हमने एक इलेक्ट्रिकल कूलिंग करके एक मतलब आप वीडियो डाला है इलेक्ट्रिकल कूलिंग,
टॉपिक नाम होगा, उस पे आप जाकर उसकी इलेक्ट्रिकल कूलिंग का मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आप इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा लगभग आधा से ही ज़्यादा उसके पोर्शन लगभग 60% सिलेबस आपके ही उस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमें वो पोर्शन आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसमें एक या दो वीडियो लगेगा, उस वो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही चैप्टर आपका जो हम करेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं, यही चैप्टर आपका बड़ा है, इसमें टाइम टेकन मतलब चीज़ें हैं, इसके बाद आपका सिलेबस धीरे धीरे आपका ख़त्म होता जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।